पहले ज़ाहिर है कौम को मुबारकबाद देंगे, हम फाइनल पहुंच गए और इंशाल्लाह अब से 4-5 घंटों के बाद फिर कौम को मुबारकबाद देंगे इंशाल्लाह। ये इस वजह से जीतेगा कि 92 में जो हुआ था ना वही सीन दोबारा हो रहा है। फ़र्क यही है कि हमारे कैप्टन साहब जो है वो नहीं है, बाकी पूरा टीम वही पाकिस्तान है इंशाल्लाह। पाकिस्तान का टीम आज बहुत अच्छा खेलेगा। अपार्ट फ्रॉम जो 2 मैच हमने हारे इसके बाद जो टीम ने बिल्डअप किया है, ये टीम जो है वो टोटली कैपेबल है, वो किसी भी टूर्नामेंट को जीत सकती है और वो जीतेगी भी, मैं फुली इसमें अकॉम्प्लिश हूँ। हाँ, अगर खुदा ना खासा कोई ऑन एंड ऑफ कोई चीज़ होती है जैसे पहले 2 मैचेस में हुई तो हमें उसमें लर्न करना चाहिए। और मैं जो लोगों के लिए भी कहूँगा कि बजाय उनको डिस्करेज करने के अपनी टीम को इनक्रेज करें, मतलब अगर वो मेरे सगे भाई होते हैं और खुदा ना खासा वो कहीं नाकाम होते तो मैं उनकी शान थपथपा रहा होता कि यार कम ऑन यार कोई बात नहीं सब हो गया, तो दैट शुड बी द वे ना, हमें इस तरह करना चाहिए। लेकिन आई एम होपफुल कि ये यही नहीं आगे आने वाले तमाम टूर्नामेंट जीतेंगे, दिस टीम इज़ फुली कैपेबल। जीतने के बाद डेफिनेटली हम और उनको विश करेंगे, पहले वो अपनी बरकरार रखें। लेकिन देखिए मैच है, इसमें हार जीत होती है, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हार जाता है तो हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, हमें उनको और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि उन पर जो एक हमारी टीम पे एज ए पाकिस्तानी हमारा जो मिजाज है जो प्रेशर रहता है ना वो नहीं रहना चाहिए टीम को, उनको दिल से खेलना चाहिए। वो दिल से नहीं खेलते हैं, हम लोग के पाकिस्तानी आवाम का प्रेशर रहता है। हमारे पास भी शादाब है, रिजवान है, बाबर खुद है, नसीम है, आरिस रऊफ है, तो बहरहाल बहुत अच्छे खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है। सीधी सी बात है पाकिस्तानी है, हम तो कहते हैं यार पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तानी जीते हमेशा यार। हमारी और इंडिया की बॉलिंग लाइन में फर्क है, हमारी बॉलिंग लाइन बहुत बेहतर है उनसे इंशाल्लाह। जो उन्होंने गलती की है हम पाकिस्तान वो गलती नहीं करेंगे। मैं एक चीज़ बाबर की बड़ी अच्छी समझता हूँ कि उसको अपनी टीम के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है और वो इस खेल को भी समझता है कि कभी इसका ऑफ डे भी होता है कभी ऑन डे भी होता है। लेकिन ऑफ डे अगर है और खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो बजाय मतलब अपने फौरी कोई चीज़ तब्दील करने के वो उससे लर्न करें और उसी लाइनअप के साथ चले, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग और एक कोऑर्डिनेशन भी इस तरह बिल्डअप होगा कि यार आप कंसिस्टेंटली एक टीम के साथ चलो, बजाय कि आप हर दूसरे मैच में नए नए तजर्बे करोगे तो वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे डिसीजन वो ले रहा है और अब तो लग भी इसके साथ है और आई होप के इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए कि हमारी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर चुकी है, इंशाल्लाह हम फाइनल भी विन करेंगे। काला जादू तो बंगाल और इंडिया में मशहूर है, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई जादू है नहीं। बहरहाल दिल भी यही कहता है, दिमाग भी यही कहता है कि पाकिस्तान विल विन द मैच इंशाल्लाह।